अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं कहीं बाहर, तो मैं फटाफट उठ के नाश्ता किया। टाइम तो वैसे हो गया सी, देर बहुत हो गई थी, और नाश्ता मैंने क्या जल्दी जल्दी मैं इधर होने लगी रेडी। आपको पता है हमारे घर आए हुए हैं मेहमान, तो वो कहते हैं चलो आज हम बाहर चलते हैं। तो मैंने पहले सोचा नहीं जाना, गर्मी तो बहुत है, पर फिर वो कहते नहीं नहीं अब आप आए हुए हैं। तो इधर मैं हो गई थी रेडी, गाड़ी वगैरह हमारी आ गई थी, बड़ी स्पीड मारी मैं रेडी होने से, मिनट मारिया मिनट, गाड़ी को भी नहीं दिखाया, गाड़ी हमारी आ गई थी और हम इधर सारे गाड़ी में बैठ गए थे। ये मेरी सिस्टर और साथ में बच्चे और जो मेहमान थे, हम सब चले गए, निकल गए गाड़ी में बैठ गए बाहर। धूप देख लो यार, धूप ही धूप, तो कोई छाया नहीं कि छाँ हो कितने, पर असी भी क्या खैर है, सूरज नाल अज साडा भी मुकाबला है। तो असी भी निकल के तो असी वड़ गए जी इस्लामाबाद दियां झाड़ियां दे विच, देख लो। पर खूबसूरत मौसम सी, हवा तो बहुत चल रही थी, पर गर्म हवा सी, सारी मून पै रही सी, आए हाए बेड़ा गर्क तो साडा बड़ा हो रहा सी, पर मज़ा भी बड़ा आ रहा सी फैमिली नाल। तो असी सारे बैठ के गप शप ला रहे सी, गाने गा रहे सी, मौज मस्ती कर रहे सी, ते मोबाइल भी मेरा हैंग हो रहा सी गर्मी नाल, क्योंकि फुल गर्म हो गया सी। हम सारे ऐसे लल्लू पंजू है, हम सारे रस्ता भूल चुके हैं। वो भाई साहब जो ड्राइवर है बेचारे को नहीं पता, पहली बार आया वा। गल यह है कि हम साड़ी कोई हैल्प करो, बह के असी बहुत मजबूर हाँ, फस चुके हैं। हालात इस तरह के ने कि बच्चों को प्यास बहुत लगी है, तो गर्मी बहुत है, गर्मी है जी, बदो बदी कभी गड्डी ऐन हो तो कभी गड्डी ऐन हो रहा जी, कोई मसले का हल नहीं निकल रहा। हो सकता है कोई बंदा साड़ी वीडियो देखे तो सानू दस कि इस्लामाबाद फस गए जी, मामपुरी सरकार आ रही है, इतों सानू नहीं समझ आई भी जाना कितने आ। हम गल कभी कभी भाई इंज न लिया वा, कभी इंज न लिया वा, साडी सारिया की समझो बहर आ, देखो छोटे छोटे मासूम बच्चे प्यास बहुत लगी है, इतों के लोग ऐसे पानी भी नहीं दे रहे। करबला में पहुंच गए, यकीन मानो करबला की स्टोरी सुना रहे हैं हमें। तो ताड़ी बड़ी मेहरबानी को सानू भैन भरा नेट ते देखे, साडी हेल्प करो, सानू राह दसो, असी दो चार घंटे तुहाडा इंतजार कर रहे हैं, छेती छेती सानू कमेंट करो, तो साडे चैनल नू सबसक्राइब तुसी लाजमी करना। तो देखो गड्डी फिर पिछे जा रही, फिर भुल गए जी, साडा कुछ कर लो सारे जने, ताड़ी बड़ी मेहरबानी है, असी चार पांच घंटे तुहाडा सारे इंतजार करांगे। चल बस मेहरबानी, लाइक तो शेयर करना, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। ये आज आपने सुना तो होगा, हम बड़ी माम जा रहे और अल्लाह 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 करके हम बड़ी मुश्किल अपनी मंजिल पर पहुंचे। हम रास्ता भूल गए थे क्योंकि हम काफ़ी अरसे बाद जा रहे थे, तो पता नहीं रहा था, जो ड्राइवर था उसको भी नहीं समझ आ रही थी, फिर हमने मैप लगाया और फिर अल्लाह अल्लाह करके हम पहुँच ही गए आखिर कार अपनी मंजिल की तरफ, अल्लाह का। फिर ये निकल थे काट के यार दूर पहाड़ा, और इधर हम शुक्र है पहुंच गए थे, और इधर हम लोग गाड़ी से उतरने लगे थे। तो गाड़ी से उतर के हमने थोड़ी देर इधर मतलब स्टॉप किया, और मैंने सोचा आपको दिखा दूं कि किधर हमने जाना है। हमने जाना है लोहे दंदी, मतलब ऊपर जिधर उन्होंने चिल्ला काटा था बड़ी सरकार वालों ने। तो हम लोग, मैं आपको दिखा रही थी फिंगर का ये कितना दूर है, लेकिन ये मैंने क्रॉप किया था, लेकिन जो इधर के रहने वाले हैं जो जाते हैं उन्हें पता होगा इतनी बल्ला चढ़ता है बंदे की तबीयत भी बहुत ख़राब होती है। लेकिन आज एन तो हमारा नहीं था, हमारी हाजिरी थी, तो फिर हम इधर थोड़ी देर रुक गए। इधर रुक के हम एक पे बच्चों को चीज़ें वगैरह लेके दी खाने के लिए, कैप वगैरह ली और साथ में जो जो चाहिए था वो ली, हमारी फारिया, और ये है वहाज, ये सब जा रहे हैं ऊपर गर्मी में, ऊपर ऊपर। गाइस हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता इस्तकबाल के लिए जानवर भी आ रहे हैं। ये मैं हूँ, ये हमारी फैमिली है, और ये हमारी पार्टी हो रही है भाई, लो ना गर्मी है, धूप है बड़ी, और ये हम अब सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, बैक कैमरा खोल के दिखाओ।
और हमारा सफर हो गया था असल स्टार्ट, पर साढ़े धूप नहीं धुए करते गर्मियों में ना जाना यार, पर जाना पड़ जाता है बात नहीं। इधर मेरे से तो ही नहीं जा रहा था, फिर आ गए थे सीढ़ियाँ थी कुछ था, हम लोग जगह जगह रुक के पानी पिया, फ्यू जॉब थी मोंकी थे लेकिन मजा था। ये काफी फ्री थी और दिखा था लोए उस सीन है। ये मेरे कपड़ों के साथ सारे प्यारे प्यारे बेबी मैच है, ऐसे ऐसे अपने फाड़ के लिए आंदे हो। ये देखे गाइस, पर क्या ये हमारी फैमिली है, ये मिरहा है व्हाइट कलर का। बुरा हाल हुआ हुआ है इसलिए हम जरा बैठ के सांस ले रहे हैं। हाय मेरी बहुत गर्मी है। और यार व्यू चेक करें गाइस, व्यू वेरी नाइस। और हमें रिव्यू दे गाइस। ये हम ऊपर चढ़े हैं मार मार के, ये देखे ये मेरी सिस्टर और मेरे बनोई, बट ओह माय गॉड गाइस बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ओह माय गॉड हमारी बस हो गई है। कितना रहता है अभी कुछ कह रहे हैं बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन हम लोग फंस के हैं। बहुत बहुत सफर है गाइस, बहुत सफर। हम और मुझे ग्लासेस में कुछ नजर नहीं आ रहा, मोबाइल में अंधे होके व्लॉगिंग आ रही हूँ यार। ओह माय गॉड आप देख सकते हैं यार, हमें मोंकी पड़ गया और एक बोतल हमसे पानी वाले इंच के ले गया था। जो ऊपर जाते होंगे उन्हें पता होगा कि इधर बहुत मोंकी होते हैं, वाली बोतल चेक करें ऐसे बोतल पानी की पी रहा है कितने मजे से। एक बार तो मेरे तब मैं चीजें थी बैग में, तो ये हमारे से बैग खींच के ले गया था। और गाइस व्यू चेक करें इधर का, मतलब जब हम ऊपर चले जाते हैं तो सारा रावल और धूप, लेकिन व्यू इतना खूबसूरत था माशाल्लाह 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 इतना प्यारा, मैं आपको क्या बताऊं। और इधर हम सब के कोल्ड वगैरह भी कर रहे थे, और इधर मेरे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा था। मेरे आप फेस की हालत देख सकते हैं, धूप ने वैसे सूरज ने साडा कलर फड़ के साड़ देता है, बिल्कुल ब्लैक कर दिया है। लेकिन सांस भी बहुत चढ़ रहा था, इधर मेरी तबीयत बहुत खराब हो गया क्योंकि वो पांव वगैरह स्लिप हो रहे थे। बस थोड़ा सा ही सफर किया था, लेकिन तय तो करना ही था, हिम्मत करके जा ही रहे थे अल्लाह अल्लाह के इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे ये सोच के। और इधर नीचे मंकी था, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी के बोतल मंकी को फेंक दी। मैं कचा शहजादा तो खाली बोतल पकड़ ले, आगे तुझे पूरी बोतल नहीं खिलाई। और गाइस ये देखे हम पहुंच गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है हम पहुंच गए। बट ओ माय गॉड ये देखे हम पहुंच गए, ये दरबार। और इधर काफ़ी ज्वेलरी लगी हुई थी जिसने दिल करे लगता है, पर यहाँ पे ऊपर काफ़ी चीज़ें महंगी थी, फिर भी लोगों ने भी थोड़ी बहुत ले ली जो जो लेने वाली थी जो दिल की। और इधर हम पहुँच गए थे, ये इधर हमारी एंट्री हो गई थी, लेकिन इधर हमने जूते उतारने थे, अंदर ऐसे थोड़ी जा सकते थे, लेकिन थक बहुत ज़्यादा गए थे यार बहुत ज़्यादा। और इधर फिर मैंने बैठ के अपने जल्दी जूते उतारे और अंदर मैंने कहा जाके हवा लें थोड़ी बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा हम आ गए। ये लोगों ने अपनी अपनी मन्नतें मांग ली हैं, ये देखें ये अंदर दरबार है।
तो हम लोग आए हैं चिलागा पे। ये देखें गाइस, ये इनके चिलागा है। ये देखें जिधर इन्होंने चिल्ला काटा था अपना। और मुझे भी देखने दो अंदर। इनकी सारी जगह बनी हुई है। हम इधर आए हैं, इधर गुजरने का रास्ता भी नहीं है। और ये सारी बाई वाली साइड है, चेक कर। हम बिल्कुल अंदर गए हुए थे जहाँ पे उन्होंने चिल्ला वगैरह काटा हुआ था, और अंदर इतनी गर्मी थी, फिर भी अंदाज़ा कर सकते। और फिर मैंने इधर बैठ के दुआ मांगी। मैंने कहा चलो दुआ मांग लेते, अल्लाह कबूल करने वाला है, अब सब भाई कबूल करे। और भाई बहुत अच्छा थी। और इधर ये कबूतर उन्होंने रखे हुए थे, कितने खूबसूरत। और ये सारा दरबार था बाहर वाला। और ये कहते थे ये जिन की टांग है, कि जब उन्होंने ये जिन जो तंग करता था तो फिर उन्होंने पढ़ा कुछ, तो ये मतलब हो गया ऐसे। और कबूतर भी बहुत ज़्यादा रखे हुए थे। हम लोग फिर नीचे उतर जहाँ पे मतलब वो लंगर लगा होता है ना, खाना वगैरह देते हैं, तो इधर उन्होंने जगह बनाई थी। इधर जो मेहमान आते हैं आके थोड़ी देर बैठते हैं, ये उन्हें कावा वगैरह पिलाते हैं। फिर इन्होंने हमें भी कावा पिलाया, और कावा इतना टेस्टी था। मुझे मैजे कावा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये इतना मज़ेदार कावा था कि मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पे कवालियाँ वगैरह लगी हुई थी, और वह फुल मूड में था यार, फुल इंजॉय कर रहा था। इतना इसको मज़ा आ रहा था, मतलब ये उधर जाके मलंग हुआ हुआ था। वो कहते हैं ना अली मौला, उस तरह ये इधर कवालियों पे खुश हो रहा था छोटा सा बच्चा। और काफ़ी दुनिया आई थी।